ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अब अपनी अगली प्रार्थना में भगवान शिव कहते हैं कि हे भगवान, इस भौतिक संसार में आप अप्रकट है, क्योंकि हमारी आंखें उनके सामने माया का पर्दा लगा हुआ है, इसलिए भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं। भगवान का एक नाम क्या है? अधोक्षजा। अधोक्षजा का मतलब होता है जो इन इंद्रियों के द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं, उनको अधोक्षजा कहते हैं। कुंती महारानी ने भी अपनी प्रार्थना में इसी प्रकार से बताया था। उन्होंने बताया था कि तीन कारण हैं कि भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं, हमें भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते हैं। भगवान तो हैं, अव्यक्त रूप में हैं, लेकिन उनके दर्शन क्यों नहीं होते हैं। तो पहला वो कहती हैं, माया जवनिका छन्नम, मतलब भगवान और हमारे बीच में माया का पर्दा लगा हुआ है। आप अगर कभी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और अगर पट बंद है, पर्दे बंद हैं, तो आपको दर्शन नहीं हो पाते हैं। जब पर्दा खुल जाता है तब साक्षात आपको भगवान के दर्शन होते हैं। तो जैसे मंदिरों में पर्दे लगाते हैं भगवान के दर्शन बंद करने के लिए, माया का पर्दा लगा हुआ है। ये माया का पर्दा जब निकल जाएगा तब भगवान के दर्शन होंगे, अन्यथा भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। भगवान हर एक अणु के अंदर में भी है, हर एक जगह पर भगवान व्याप्त है अपने परमात्मा के रूप में, लेकिन हम दर्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी आंखें माया से ढकी हुई हैं। ये पहला जो है कुंती महारानी कारण बताती है, माया जवनिका आच्छन्नम अज्ञात। दूसरा क्या है? दूसरा कारण ये है कि हम लोग मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है। तो ये दूसरा कारण है कि हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। ज्ञान के चक्षुओं से अगर हम देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि भगवान सब जगह व्याप्त है। भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सूरज की रोशनी में, भगवान पानी के स्वाद में, हर एक जगह भगवान व्याप्त है। तो ज्ञान के चक्षु से हम देख पाएंगे, लेकिन हम तो अज्ञानी हैं। तो दूसरा कारण ये है, भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। तीसरा कारण क्या है? अधोक्षजम, भगवान जो हैं वो इन इंद्रियों के परे हैं। हम इन आँखों से भौतिक पदार्थ देख सकते हैं, हम इन हाथों से भौतिक चीजों को छू सकते हैं, हम इन कानों से भौतिक शब्दों को सुन सकते हैं, हम इस जीभ से भौतिक शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन भगवान इन सब से परे हैं, भगवान आध्यात्मिक हैं। तो इन इंद्रियों की पकड़ में आने वाले नहीं हैं भगवान। कब आएंगे? जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, जब इनमें से गंदगी निकल जाएगी, तब साक्षात हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे।
तो कुंती महारानी ने भी बताया था कि तीन कारण हैं कि हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान शिव क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान आपके दर्शन इस भौतिक संसार में, आप प्रस्तुत हैं इस भौतिक संसार में, लोग जो है मूर्ख लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन व्यक्ति जो है अगर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है तो आपके काल शक्ति के द्वारा आपके हाथ को हर एक चीज में देख सकता है। आपकी काल शक्ति के द्वारा व्यक्ति जो है आपका अनुभव कर सकता है। तो काल शक्ति के बारे में भगवान शिव क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि काल शक्ति के रूप में भगवान कैसे कार्य करते हैं इस संसार के अंदर में, जिसको एक बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है। पहला, काल शक्ति के द्वारा भगवान जो है इस भौतिक संसार में हर एक चीज का विनाश कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, आप एक पेड़ से एक फल तोड़िए, तोड़ने के बाद आप कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए आप उसको रख दीजिए, धीरे धीरे क्या होगा देखिए, ये फल जो है सड़ जाएगा और बाद में मट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर देखिए, शरीर पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बुढ़ापा आता है और एक दिन विलीन हो जाता है। हर एक चीज इस भौतिक संसार में जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये काल का प्रभाव है। काल का प्रभाव क्या है, हर एक चीज इस भौतिक संसार में उसका विनाश हो जाता है, ये काल का प्रभाव होता है। तो उदाहरण देते हैं भगवान शिव, दो सुंदर उदाहरण देते हैं भगवान के काल के रूपी, जो भगवान का जो काल का रूप है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, दो उदाहरण देकर के समझाते हैं। एक, वो कहते हैं कि इस भौतिक संसार के अंदर में हम देखते हैं भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसके द्वारा एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, चूहे को सांप खा लेता है, सांप को नेवला मंगूस खा लेता है, और नेवले को खाने वाले अन्य जानवर हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हर एक जीव जो है उसका अंत निश्चित है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि वायु दिखाई नहीं देती है, हवा दिखाई नहीं देती है, ऐसे भगवान दिखाई नहीं देते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं जो कुंती महारानी ने बताए, भगवान दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हम देख सकते हैं काल के रूप में। जिस प्रकार से वायु दिखाई नहीं देती है लेकिन वायु के प्रभाव से बादल छट जाते हैं, अलग अलग दिशा में फैल जाते हैं। हम देखते हैं ना, जब हवा चलती है तो बादल जा रहे हैं, कभी सूर्य के ऊपर आ जाते हैं फिर आगे निकल जाते हैं, सब हवा के प्रभाव से है। लेकिन हवा तो नहीं दिखाई देती है, बादल चलते हुए दिखाई देते हैं। तो बादल जब चल रहे हैं उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा चल रही है। इसी प्रकार से इस भौतिक संसार में हम जो भी चीजें बनाते हैं इस संसार के अंदर में, क्योंकि सब बिखर जाता है, जैसे बादल बिखर जाते हैं वायु के द्वारा, काल के प्रभाव से सब कुछ बिखर जाता है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है कि भगवान को मैं डायरेक्टली तो नहीं देख सकता हूं लेकिन काल के रूप में समझ सकता हूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना जो भगवान शिव यहां पर बता रहे हैं। भक्त लोग भगवान के सुंदर रूप के दर्शन करते हैं,
नास्तिक व्यक्ति भगवान के सुंदर रूप के दर्शन नहीं करना चाहता है, लेकिन उसको भी भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे। लेकिन भगवान के बड़े कुरूप रूप के, भगवान के घोर रूप के दर्शन करने पड़ेंगे। भक्त उस घोर रूप के दर्शन नहीं करना चाहता है। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान अपना विश्व रूप दर्शाइए, तो भगवान ने अपना विश्व रूप का दर्शन दिया। और अगर आप भगवद गीता में पढ़िए, 11वां अध्याय है, विश्व रूप के दर्शन के बाद में अर्जुन की मानसिक स्थिति क्या हो गई। अर्जुन घबरा गए भगवान के इस रूप को देख करके। अर्जुन देखते हैं कि भगवान का मुख खुला हुआ है, उसमें अनेकों मुख हैं और हर एक मुख से ज्वाला निकल रही है। और वो साक्षात देख पाए कि पांडवों को छोड़ करके जो भी सारी कौरव की सेना है, सब भगवान के विश्व रूप के इस जलते हुए मुख में प्रवेश कर रही है। हजारों भुजाएं हैं भगवान की, हजारों पांव हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों सर हैं। ये सब देख करके, भगवान के इस घोर रूप को देख करके अर्जुन घबरा गए। अर्जुन पूछते, भगवान मैं ये क्या देख रहा हूं, ये कौन है, मैं किसके दर्शन कर रहा हूं। भगवान ने क्या उत्तर दिया? भगवान ने भगवद गीता में उत्तर दिया, कालोस्मि। अर्जुन, जिस रूप के तुम दर्शन कर रहे हो, ये मेरा काल का रूप है। काल के रूप में, काल के लक्षण क्या होते हैं? हर एक चीज को नष्ट कर देना काल का लक्षण होता है। हम घर बनाते हैं, 20 साल के बाद में हमारा घर जो है मॉन्यूमेंट बन जाता है। आज हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मॉन्यूमेंट बना देता है, कुछ 200 साल पुरानी बिल्डिंग, टूटे हुए खंडर, टूटे हुए घर, टूटे हुए महल, कहाँ गई वो सारी सभ्यता? ये काल का प्रभाव होता है। नास्तिक लोग भगवान की अथॉरिटी को तभी पहचानते हैं जब काल आता है। भगवान का भक्त पहले ही भगवान को पहचानता है, लेकिन नास्तिक व्यक्ति जब काल आता है तब भगवान के दर्शन करता है मृत्यु के रूप में। भगवान कहते हैं, मृत्यु सर्व हरश्च अहम्। ये मृत्यु का रूप भी मेरा ही है, घोर रूप है। उस रूप में मैं सब कुछ हरण कर लेता हूं, ये मृत्यु का रूप होता है। तो हम देखते हैं जो नास्तिक, इवन जो वैज्ञानिक लोग भी होते हैं, वो बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं। आज से बहुत साल पहले कुछ वैज्ञानिकों ने कल्पना की थी कि एक समय ऐसा आएगा जब व्यक्ति को जो है मरना नहीं पड़ेगा, हम ऐसी डिस्कवरी कर लेंगे, हम ऐसा विज्ञान खोज लेंगे जिसके द्वारा किसी को भी मरना नहीं पड़ेगा। सालों साल बीत गए, जिस साइंटिस्ट ने, जिस वैज्ञानिक ने इस प्रकार की कल्पना की थी, कहाँ है वो वैज्ञानिक? उनको काल जो है ले जाता है। ऐसे बहुत सारे असुर इन वैज्ञानिकों के पहले भी हुए हैं, जो अमृतत्व बनना चाहते थे, जो कभी नहीं मरना चाहते थे। हिरण्यकश्यपु ऐसा ही था, अनेकों प्रकार की घोर तपस्याएं उसने की थी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी मुझे अमर बना दो, मेरी मृत्यु कभी ना हो। लेकिन क्या ब्रह्मा जी उसको अमर बना सके? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हिरण्यकश्यपु, तुम मूर्ख हो, क्योंकि मैं जो तुम्हें वरदान देने वाला हूं, मेरी आयु बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन एक दिन तो मुझे भी मरना पड़ता है। सहस्र युग पर्यंतम बताया जाता है, ब्रह्मा जी का एक दिन क्या होता है, जब 1000 युग बीत जाते हैं संसार में, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है वो। जरा सोचिए, इतनी लंबी आयु है ब्रह्मा जी की, लेकिन एक दिन उनको भी मरना पड़ता है। उनका भी एक दिन जन्म है, उनकी भी एक दिन मृत्यु है। हमारे से बहुत बड़ी आयु है उनकी, लेकिन उनको भी मरना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तुम मूर्ख हो, मैं खुद एक दिन मरने वाला हूं, मैं तुम्हें अमर कैसे बना सकता हूं। तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि ब्रह्मा जी ऐसे मानने वाले नहीं है,
तब उसने जो है अनेकों प्रकार की तरकीब लगाई। ठीक है ब्रह्मा जी, ऐसा वरदान दीजिए घर के अंदर मुझे कोई ना मार सके, घर के बाहर कोई ना मार सके, दिन में कोई ना मार सके, रात में कोई ना मार सके, कोई जानवर, कोई मनुष्य, कोई देवता मुझे ना मार सके। लेकिन काल तो काल है, अनेकों प्रकार की योजनाएं बना ली, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम देखते हैं भगवान ने नरसिंह का रूप लिया। न दिन था न रात थी, न घर के अंदर न घर के बाहर। ब्रह्मा जी ने जो भी वरदान दिया था सब पूर्ण किया भगवान ने, लेकिन फिर भी जो है भगवान से बढ़कर के कौन बुद्धिमान हो सकता है। तो अंतर क्या है, देखिए अंतर ये होता है, असुर व्यक्ति जब उसका काल आता है तब घोर रूप में, काल के रूप में भगवान के दर्शन करता है। वो भी भगवान का ही रूप है, लेकिन उस रूप में वो भगवान के दर्शन करता है। भगवान का भक्त प्रेम से भगवान के सुंदर, भगवान के श्याम सुंदर रूप के दर्शन करता है। तो ये अंतर होता है। तो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़ी बड़ी कल्पना करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, और लेबोरेटरी के अंदर में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि हम भी जो है जीवन बना लेंगे। आपने कभी देखा है किसी लेबोरेटरी के अंदर में हमने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बना दिए हैं, हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी है, सारी सभ्यता खड़ी कर दी है, रोबोट बना दिए हैं, मशीनें बना दी हैं अनेकों प्रकार की। क्या लेबोरेटरी के अंदर में किसी भी वैज्ञानिक ने जीव बनाया है? एक गेहूं का दाना क्या हम बना सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर में? छोटा सा जीव, बड़ी जीव की तो बात भूल जाइए। तो ये हमें समझना है, ये बड़ी बड़ी प्लान ये जो है बनाते रहते हैं। तो यहां पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि काल के रूप में आप इस भौतिक संसार में सब कुछ ध्वस्त कर देते हैं। और इसी काल के बारे में अब अगली प्रार्थना में और बड़ी महत्वपूर्ण चीजें भगवान शिव बताते हैं, जिसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।